चुनाव से एक दिन पहले हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल। बीजेपी को मिले वोट वाले बाबा, मोदी को मिल गए राम रहीम। मोदी की तारीफ से खुश हुए बाबा, मुझे दे रहा है 1700 की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला। बीजेपी को मिला बाबा का आशीर्वाद। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके घोषणा की कि बाबा राम रहीम जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और हम भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों पर समर्थन देंगे। पुराने वीडियो से फैला कंफ्यूजन, वो 100% गलत था, 100% कहीं कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। आप जानते हो, आप लोगों के सामने बोलते, अगर कुछ बोलते हमें ऐसा कोई है ही नहीं बात। लेकिन डेरा का ऐलान, मोदी के साथ हैं राम रहीम। हम क्लियर करना चाहते हैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया गया है। हरियाणा में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने ऐलान किया है कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। हरियाणा में डेरा के भक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। मुझे डेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला। पीएम नरेंद्र मोदी की इस बात का ही असर है कि सिरसा के रॉकस्टार बाबा गुरमीत राम रहीम मोदी के मुरीद बन गए। राम रहीम हरियाणा की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस बार हरियाणा का चुनाव जिताने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के 40 उम्मीदवारों को लेकर बाबा राम रहीम से मिले, जिसके बाद बीजेपी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया। कैलाश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग 40 लोगों के साथ मिले, क्या पूर्णतः आपको समर्थन उनका मिल गया है या उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि डेरा आपके साथ है, बीजेपी के साथ है? मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप आशीर्वाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिटिकल विंग है, वो इस पर निर्णय करेगी, जो निर्णय उनका होगा। और पॉलिटिकल विंग ने निर्णय दिया, और न सिर्फ निर्णय दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके घोषणा की कि बाबा राम रहीम जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और हम भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों पर समर्थन देंगे। न सिर्फ समर्थन देंगे, कल तक उनकी 90 सीटों पर बैठक भी हो गई है और उम्मीदवारों को उन्होंने बुला के स्वागत भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी के। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने बाबा राम रहीम से मुलाकात की थी। बीजेपी के नेता लगातार बाबा के संपर्क में थे, लेकिन पीएम मोदी ने जब सिरसा में राम रहीम की तारीफ की तो इसका बाबा पर बड़ा असर पड़ा। राम रहीम मोदी के सफाई मिशन के भी मुरीद है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो राजनीति में कभी जाते भी नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी को कभी समर्थन भी नहीं करते, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं वो। और जो मेरी चर्चा हुई, जो उन्होंने मुझसे कहा, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ, विशेषकर वो जिस तरीके से ईमानदारी से राजनीति करते हैं उसका मैं पक्षधर हूँ। देश को चरित्रवान व्यक्ति की आवश्यकता थी और देश को मिला है, और मैं उनके हाथ मजबूत करना चाहता हूँ, और विशेषकर उनके द्वारा चलाया गया जो सफाई अभियान है, क्योंकि आपको मालूम होगा बाबा जी स्वयं खुद भी साफ़ सफाई करते हैं और अपने डेरे के सभी भक्तों से शहर 2-3 घंटे में साफ करवा देते हैं। हरियाणा में बीजेपी अब तक INLD और HJC को साथ देकर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन इस बार वो अकेले चुनाव मैदान में है। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि सिर्फ हरियाणा में ही राम रहीम की 60 लाख से ज्यादा समर्थक हैं। बीजेपी के लिए प्रचार क्या, अगर इतने समर्थक बीजेपी के वोट बैंक में तब्दील हो गए तो हरियाणा में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पिछले दिनों सिरसा में आए, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की बहुत सराहना की। डेरा सच्चा सौदा साध संघ ये कार्य जो करती है उसकी बहुत सराहना की, जिससे साध संघ बहुत प्रभावित हुई, और साध संघ को लगता है कि ये पार्टी एक ऐसी है जो देश में भ्रष्टाचार या समाज का सुधार कर सकती है। इसलिए साध संघ ने मिलकर जो मीटिंगें की उसमें साध संघ का यही फैसला है कि हमें बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, और इसके ही तहत साध संघ ने मिलकर बीजेपी की सरकार का समर्थन किया है।
डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव देखते हुए चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा राम रहीम पर डोरे डालने की कोशिश करती हैं, उनके साथ गोपनीय मुलाकातें करती हैं। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग पार्टियों के नेता डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बाबा पर जादू चला मोदी और हरियाणा में बीजेपी को नई ताकत मिल गई। प्रतीक त्रिवेदी, इंडिया टीवी, दिल्ली। डेरा के प्रमुख राम रहीम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं या नहीं, इसे लेकर आज दिन भर कन्फ्यूजन भी रही। इस कन्फ्यूजन की वजह थी एक वीडियो जिसमें खुद राम रहीम बीजेपी को सपोर्ट करने की खबरों का खंडन करते दिख रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वीडियो और ये भी बताते हैं कि इस वीडियो की हकीकत दरअसल क्या है। जितनी भी साथ संगत आई, हरियाणा के मेन मेन आदमी आए, हमने कोई किसी पार्टी का कहा ही नहीं। हमें किसी ने कल परसों दो तीन अखबार दिखाए, गुरु जी ने पता नहीं क्या सच्चा सौदा ने पता नहीं कुछ कर दिया कुछ बीजेपी को सपोर्ट करने की बात। हाँ, वो 100% गलत था, 100% कहीं कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। आप जानते हो, आप लोगों के सामने बोलते अगर कुछ बोलते, हमें ऐसा कोई है ही नहीं बात। सुना आपने, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम खुद कह रहे हैं कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को कोई समर्थन नहीं दिया है और अखबारों में आई बीजेपी के समर्थन की खबरें 100% गलत है। लेकिन हकीकत ये है कि ये वीडियो काफी पुराना है, ऐसा खुद डेरा से जुड़े लोग कह रहे हैं। इंडिया टीवी से बात करते हुए डेरा सच्चा सौदा के पॉलिटिकल विंग के अध्यक्ष प्रदीप इंसा ने कहा कि डेरा का स्टैंड बिल्कुल साफ है, वो 90 के 90 सीटों पर बीजेपी के साथ है। कुछ लोग हैं जो वोटरों को गुमराह करने के लिए बाबा का पुराना वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। एक वीडियो आ रहा है जिसमें ये बार बार चर्चा आ रही है कि राम रहीम जी ने कहा है कि हम राजनीति से बिल्कुल दूर हैं। पूरे 90 विधानसभाओं, हरियाणा में पूरे 90 विधानसभाओं के ऊपर साध संगत ने जो फैसला लिया है, एकता का जो फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया गया है। कुछ चैनल्स के माध्यम से या कुछ मीडिया में ऐसी बातें आ रही है कि जो गुरुजी का बयान है वो काफ़ी पुराना पेश किया जा रहा है, और गुरुजी तो हमेशा जो साध संगत फैसला लेती है उस एकता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं जी। तो वो जो वीडियो है, जो बात आ रही है, वो पुरानी है और वो मतलब किसी और समय पे लिया गया है, वो किसी और संदर्भ का वक्तव्य है। अच्छा। उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कुछ मीडिया में ऐसे लोग हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों के हत्थे चढ़े हुए हैं, जो उस बयान को, उस वक्तव्य को अलग तरह से पेश कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल हम क्लियर करना चाहते हैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया गया है। दरअसल गुरमीत राम रहीम राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देने से बचते हैं, इसीलिए उनके इस पुराने वीडियो से जबरदस्त कंफ्यूजन फैला। लेकिन आखिरकार डेरा सच्चा सौदा ने साफ कर दिया है कि इस बार वो हरियाणा में बीजेपी को मजबूत बनाने वाले हैं। प्रतीक त्रिवेदी, इंडिया टीवी, दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा की हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त पकड़ है। डेरा का दावा है कि देश भर में उनके 4 से 5 करोड़ अनुयायी हैं। दावा यह भी है कि सिर्फ हरियाणा में राम रहीम के करीब 60 लाख भक्त हैं। यही वजह है कि चुनाव आते ही डेरा सच्चा सौदा में नेताओं की कतार लगनी शुरू हो जाती है। बाबा राम रहीम की हरियाणा में दलितों पर अच्छी पकड़ है, इसीलिए डेरा के फैसले से हरियाणा की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल बीजेपी की हरियाणा में जाट वोट बैंक पर नजर थी। ज्यादातर ओपिनियन पोल में बीजेपी बड़ी पार्टी बनती तो दिखी, लेकिन जाट वोट बैंक कम होने की वजह से पूर्ण बहुमत नहीं मिलता दिख रहा। ऐसे में डेरा सच्चा सौदा का साथ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकती है। पीएम मोदी भी ये जानते हैं और इसलिए सिरसा की रैली में पीएम ने डेरा को याद किया। मुझे डेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला था। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद बीजेपी को नया साथी चाहिए था। बीजेपी ने गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन हरियाणा में मजबूत धार्मिक संगठन को अपने साथ लेने में वो कामयाब रही। डेरा सच्चा सौदा के मुताबिक हरियाणा में उनके 60 लाख से ज्यादा भक्त हैं। दलितों और खाप पर भी डेरा का काफी अच्छा असर है। डेरा के समर्थक जाटों के वोटों की भरपाई कर सकते हैं, इसीलिए बीजेपी और राम रहीम की साझेदारी के ऐलान ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। वो अब भी मानने को तैयार नहीं है कि राम रहीम बीजेपी के साथ आ चुके हैं। नहीं, ऐसा कोई किसी का फैसला नहीं है।
या भी यू आर मिस इन्फॉर्म, कोई उन्होंने किसी के उसको फैसला नहीं किया है। वो उन्होंने तो ये कहा है हम कैंडिडेट टू कैंडिडेट फैसला करेंगे। डेरा सच्चा सौदा ने खुल के कहा बीजेपी को अपना समर्थन दे? नहीं कहा, मैंने कहा मेरे को मालूम है, मेरे पास बात हुई, किसी के लिए नहीं कहा उन्होंने। और कभी वो राजनीतिक नहीं है डेरा, पॉलिटिकल उसमें नहीं है, वो समर्थन करते हैं अपने हिसाब से कोई कैंडिडेट्स को कैंडिडेट वाइज कर सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा ने पिछली बार कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया था, 2007 में पंजाब में भी कांग्रेस का समर्थन किया था। इस बार डेरा का बीजेपी के साथ आने को मोदी की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी को जिस बाबा का साथ मिला है उनके भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन खास बात यह है कि राम रहीम के जीने का अंदाज भी बहुत निराला है। राम रहीम अपने बिंदास रहन सहन के लिए मशहूर है। कभी रॉक स्टार, कभी स्टंट मैन, कभी स्पोर्ट्स मैन और कभी धर्म गुरु, गुरमीत राम रहीम अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्हें आप किसी रॉक स्टार की तरह हजारों की ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते देख सकते हैं। पिछले दिनों उनका एक एल्बम भी आया था जिसमें भक्ति और समाज सुधार से जुड़े गीत थे। पंजाब और हरियाणा में ड्रग्स एक बड़ी बीमारी है। राम रहीम युवाओं को इस लत से दूर रहने की सलाह दे रहे थे। गुरमीत राम रहीम के कई रूप हैं। उनकी पहचान एक ऐसे संत की है जो लग्जरी जिंदगी जीता है, एक ऐसा संत जो एयर कंडीशन में रहता है और महंगी गाड़ियों में घूमता है। वो कभी राजाओं के पहनावे में नजर आता है तो कभी खेत में मजदूर की तरह काम करता है। राजस्थान में जन्मे गुरमीत राम रहीम 1990 से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। इन 24 सालों में डेरा के अनुयायियों और समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राम रहीम का आशीर्वाद देने वालों में हर दल के नेता शामिल हैं। चुनाव में डेरा समर्थकों का वोट पाने के लिए नेता डेरा सच्चा सौदा के चक्कर लगाते हैं। गुरमीत राम रहीम विवादों से भी अछूते नहीं रहे हैं। राम रहीम और उनका डेरा सच्चा सौदा विवादों में तब आया जब उन पर महिला अनुयायियों के यौन शोषण का आरोप लगा। ये आरोप लगाने वाले पत्रकार की हत्या कर दी गई।